ऐसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां, ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां, के हाल दिल ना हो बयां। अब्बू आज के दिन तो लाइट्स लगवा लेते ना घर में, मिनाइल की शादी है। बहुत इंतजाम हो गए बेटा, लाइटिंग लगाना जरूरी नहीं है। जिस लड़की की माँ ने मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरे भरे हैं, मैं भूला नहीं हूँ। अब इतना वक्त गुजर चुका है, कब तक इस बात को अपने सीने से लगा के बैठे रहेंगे आप? वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें याद रह जाती है, जो जिंदगी के हर नए लम्हे में एक ही शिद्दत से तकलीफ पहुँचाती है। बात सुने, वो ना अब इस घर से रुखसत होके जा रही, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हाँ, मैं सब दुनिया को बताऊंगा कि देखो मेरा कितना बड़ा दिल है, मैं उस औरत की बेटी को किस तरह शानो शौकत से रुखसत कर रहा हूँ जिस औरत ने सारी जिंदगी मुझे बेचैन रखा है। इतना बड़ा दिल है तो लाइट्स भी लगवा लेते, मुझे देर हो रही है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। हुआ देखिए मेरे मायूं का जोड़ा कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा मेरी बच्ची, और देखो तो मायूं के इस जोड़े में मेरी गुड़िया कितनी हसीन लग रही है, माशाल्लाह चश्मे बद्दूर। बुआ ये आपके हाथ में कौन सा जोड़ा है? अरे बिटिया आपकी ससुराल से आया है आपकी बारात का जोड़ा। वो आप जानती हैं ना मुझे ये कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने आयान से कहा भी था कि मुझे तीन ब्राइडल से जोड़ा लेके दे, मैंने पिक्चर्स भी भेजी थी। अरे मेरी बच्ची ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह माफ करे, इन छोटी छोटी बातों से शादियां टूट जाया करती हैं। और मेरी बिटिया आप तो जानती हैं कि माँ राजी थोड़ा ही है, भिजवाए ना दें आपको आपकी पसंद के जोड़े, वो तो हर वो हरकत करेंगी जिससे आप तंग हों। अरे याद आया शादी वाला घर है, इतने सारे काम हैं, मैं फिर आती हूँ ठीक है। बुआ भी ना पता नहीं क्या क्या कहती है, मैं आन को मैसेज करती हूँ। बैठो। ये घर में क्या सन्नाटा मचा रखा है, ये तो बदशगुनी की अलामत है। बदशगुन तो वो लड़की है जिसे आयान इस घर में लेके आ रहा है, मेरी मर्जी से शादी करता तो दुनिया देखती। आयान के फैसले से खुश नहीं हूँ मैं। अब ऐसी भी क्या नाराजगी, अच्छी है खूबसूरत है। अच्छी और खूबसूरत तो है लेकिन सिकंदर हयात की बेटी तो नहीं है ना। राहिला भाई की बेटी भी तो अपनी बेटी की तरह होती है ना, और वैसे भी उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह ही तो पाला है। पाला तो अपनी बेटी की तरह ही है लेकिन सिकंदर हयात की सारी जायदाद के मालिक तो उसकी अकलौती बेटी जारा ही है, इस यतीम मनाहिल को वो क्या देंगे?
तुम्हारे पास कौन सा रुपये पैसे की कमी है, एक ही बेटा है तुम्हारा, उसी की खुशी में खुश रहो। ठीक कहती हो तुम, अयान की खुशी के लिए राजी हुई हूँ, लेकिन अयान पर तो जैसे उन्होंने कोई जादू कर दिया है, हर वक्त मनाहिल मनाहिल के गीत गाता रहता। अच्छा छोड़ो राहिल, तुमने ये मेहंदी और मायूं का फंक्शन एक ही दिन रख लिया क्या? हाँ भाई, मैंने कहा मेहंदी मायूं एक साथ ही निपटा लो। एक ही बेटा है तुम्हारा, अब इतनी भी बेदिली अच्छी नहीं होती। अच्छी बात तो तब होती जब मेरा बेटा मेरी बात मानता, मेरी मर्जी की दुल्हन लेके आता। आप लोग बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ, आराम से इत्मीनान से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। राहिला मैं दुपट्टा सर पे लूँ या फिर कंधे पे? कैसा लगेगा अभी? उठोगी ना फिर रख के देखेंगे कैसा लगेगा, ठीक है? ओके। ये और जारा छोटी सी थी जब हम इस घर में आए, तू मुलाजिमा अगर अल्लाह खुश रखे सिकंदर हयात को, हमेशा अपनी बड़ी बहनों जैसी इज्जत दी मुझे। बुआ ऐसे क्यों कह रही है? आप हमारे लिए हमारी माँ जैसी है। मैं सदके जाऊं अपनी बिटिया पे से, ये तो आपकी मोहब्बत है ना हमारे लिए है? और ये बच्चे तो नन्ही सी थी, 2 साल की, जब इसके अम्मा बाबा अल्लाह को प्यारे हो गए एक हादसे में। मगर फिर क्या हुआ? सिकंदर हयात ने ये बड़ा दिल किया है ना? सच्ची बात तो यही है मेरी बिटिया, और आपको अपनी छप्पर छाया। हालांकि हजार शिकवे थे उन्हें बिटिया, उन्हें आपकी अम्मी से। अल्लाह नसीब अच्छे करे, बस नसीबों से ही डर लगता है। ऐसा नहीं कहते रही ना, अल्लाह इन दोनों के नसीब अच्छे करे, ये दुआ करो। अल्लाह मेरे बेटे के नसीब अच्छे करे। ये क्या, सिर्फ 1000 रुपए? इतनी प्यारी दुल्हन दे रहे हैं आपको, पूरे 25,000 नहीं लूंगी मैं। मांगती रहो मांगती रहो, पैसे भी दे देगा और सारी जिंदगी भी पालता रहेगा। खैर मेरी बिटिया बिल्कुल परेशान ना हो, खैर से अपने घर की होने वाली है, कल मेरी बिटिया की शादी है, सुना तुमने? हाँ शादी है, और मेरी बिटिया इस सारे घर को सोना करके चली जाएगी। वाह, 8 साल पहले अपने सारा आपे की शादी पे भी यही कहा था। अरे तो क्या गलत कहा था, सही तो कहा था हैं? अल्लाह से दुआ है सब बच्चियां अपने घरों में शाद आबाद रहें। अगर सच तो यही है ना बिटिया कि अपने माँ बाप के घर को सोना करके चली जाती हैं, है ना? सुना करके जाती है तो बहुत बातें कर ली ना हमने, अब कुछ काम देखते हैं, ठीक है? तुम लोग भी जल्दी से निपटाओ अपने काम, हम भी भैया बहुत से काम, शादी वाला घर है, देखते हैं चल के, कोई काम तो नहीं रहता। जीती रहे मेरी बच्ची। नहीं आई थिंक ये सब मेहमानों को देंगे। ठीक है तुम पहनो ना।
बुआ कब तक इनको सजाती रहेंगी, मेहमान आने वाले, लेके जाए ना, जल्दी करें। यार तुम अभी तक हो, तुम नीचे जाओ ना, कौन इस्तेमाल करेगा हम लोगों का, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। कहाँ चले जाते हैं सब, कहाँ है आप, इतने सारे काम रहते हैं। मैं तो यही हूँ, तुम लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें देख के बिल्कुल अपनी माँ याद आ गई। आप भी किसी से कम नहीं लग रहे। अच्छा मेरी बात सुनो, सारी अरेंजमेंट्स हो गई, मिनाइल कहे तैयार हुई कि नहीं? अरे वो तैयार है, लेकिन आपका बेटा जिद कर रहा है कि उससे तैयार हो। आज तो बेचारी दुल्हन है, आज तो छोड़ दो उसे। जानते हैं ना वो सारे काम मानी से करवाता है। आई नो, ही इज वेरी अटैच्ड टू हर। अच्छा बात सुने, मैं नीचे सारी तैयारियां देखने जा रही हूं, वो बदमिजाज औरत है ना ऐयान की माँ, जान पे आ जाएगी मेरी। आ जाए आप भी। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। देखो मेरा हादी तैयार होके कितना अच्छा लग रहा है, अब देखना सारे लोग ना मेरे हादी को देखते ही रह जाएंगे। मनी खाला, क्या आपकी शादी हो रही है? जी मेरी जान, मेरी शादी हो रही है, मेरे दूल्हा आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मनी खाला, आप मेरे साथ इसी घर में रहेंगी? नहीं मेरी जान, अब मुझे अयान अंकल के घर जाने। मनी खाला, पर मैंने आपसे कहा भी था मैं आपसे शादी करूंगा। दूल्हा इतना छोटा थोड़ी होता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मनी खाला, आपने मुझे ब्रश नहीं किया, लाओ। शूज कहाँ हैं आपके? मेरे शूज बाबा के पास है। चलो जाते हैं, हम शूज भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मुंह मीठा करो। वैसे एक बात बताओ, मानो ना मानो, लग बिल्कुल बंदरिया रही है तुम। बस कभी करूँ नहीं किया। You know what, मुझे कभी कभी अयान का सोच के बहुत दुख होता है, रोता होगा तुम्हारी शक्ल देख के। जैसे मैं आपको देख के हंसती हूँ, मुझे ना बिल्कुल कार्टून जैसे लगते हैं। अच्छा बुरी बात मानिए, ऐसे नहीं कहते। अच्छा बात सुनो, जो भी है मेरी बेगम सामने बैठी है, मैं जैसा भी लगता हूँ उससे पूछ लो। तारा आप की तो बात ही ना करें, ये तो आपसे इश्क करती है, और इश्क अंधा होता है। By the way, for your current information, मुझे अपनी good looks पे कुछ ज़्यादा शक नहीं है। वो तो आपको ज़रा भी सर्टिफिकेट दे चुके हैं ना अपनी मोहब्बत का, इसलिए। सुन, अब चुप होके बैठ जाओ, तुम्हारी वो चिड़चिड़ी सांस आई ना तो बहुत शोर हो जाएगी। कितनी देर उनको आने में? आने वाली होगी। रसम कर ले। अल्लाह नसीब अच्छे करे, बस नसीबों से ही डर लगता है। ऐसा नहीं कहते राहिला, अल्लाह इन दोनों के नसीब अच्छे करे, ये दुआ करो। अल्लाह मेरे बेटे के नसीब अच्छे करे। जरा बेटा आप आइए ना, रस्म कर लीजिए। अच्छा भाई लड़कियों, अब हम नेक मांगेंगे अयान मलिक से, पूरे 25,000 रुपए। दे देगा, पैसे वाला लड़का। ये लीजिए, आप भी क्या याद करेंगे। ये क्या, सिर्फ 1,000 रुपए, इतनी प्यारी दुल्हन दे रहे हैं आपको, पूरे 25,000 नेक लूंगी मैं। मांगती रहो, मांगती रहो, पैसे भी दे देगा और सारी जिंदगी भी पालता रहेगा।
अरे नहीं रहने दे आंटी, ये तो रस्में होती हैं ऐसी नेक की, मजाक कर रही थी। आप लेने चले, सामने देख के सब तस्वीर खिंचवाए ना, अच्छी सी स्माइल, कितनी अच्छी लगी। माशाल्लाह खेल रहा है मेरा बच्चा। जरा आप ही इधर आए मेरे पास बैठे। क्या हुआ यार? जी नहीं का आपका, एक्चुअली मॉम के सामने मैं ज्यादा जद बहस नहीं करना चाहता था। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, पैसे नहीं चाहिए मुझे। आप मिनाहिल की बहन है, ये आपका हक है। बड़े ना छोटों को तोहफे देते हुए अच्छे लगते हैं, पैसे लेते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, प्लीज रख लेंगे नहीं आप। बात नेक के पैसों की नहीं है यार, खुशी और मान की है। तो जरा भी मैं आपका मान रखना चाहता हूँ ना, आपको ये नेक लेना पड़ेगा। एक्चुअली तुम्हारी मॉम ने ऐसी बात की ना, मेरा मूड ऑफ हो गया। छोड़े ना जरा भी। जरा आपकी मॉम तो पता नहीं क्यों इस कदर अजीब होती जा रही है, आप प्लीज उनकी बातों का माइंड मत किया करें। अब क्या माइंड करना, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। तो बस ठीक है फिर, ये नेक आपका हुआ और आपको रखना पड़ेगा। हल्के मॉम ने सुन लिया ना तो फिर तमाशा कर देंगे। मैं आती हूँ। सबके सभी एक रंग में रंगे हुए भाई, सारे ही नाच रहे हैं और वो हमारे सपूत, माशाल्लाह। मॉम क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ड्राइवर बुलवाओ मुझे अभी के अभी, घर जाना। और तुम जाओ ना बेटा, जाओ उसके साथ नाचो गाओ। मॉम ऐसा भी क्या हो गया है? कोई शर्म कोई लिहाज होती है? बस खड़ी हो गई नाचने के लिए, खानदान के लोग क्या कहेंगे, किस बेहया लड़की को बहू बना के लाए। मॉम सिर्फ डांस ही तो किया है और शादी के मौके पर इतना तो चलता ही है। भाई मुझे तो पता ही नहीं था। प्लीज हस्तान भैया। अच्छा भाई हटो, आगे क्या करें? एक्सक्यूज मी आंटी, हमसे कोई गलती हो गई? नहीं भैया तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई, गलती तो हमारी है। देखिए अगर आपको कोई बात बुरी लगी है ना तो हम माजरत खाएं। ये तबीयत की है तुम लोगों ने उस यतीम बच्ची की? क्या हो रहा है, कौन देख रहा है उसको, तो कोई शर्म ना लिहाज ना हया। किस तरीके से बात कर रही हैं आप, जब घर में तकरीब होती है तो हर बच्ची इस तरह हल्ला गुल्ला करती है, इस बात को इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मॉम छोड़े ना भाई, कैसे जाने दूं? और जो तुम छुप छुप के जो कुछ कर रहे हो ना, अंधी नहीं हूं मैं, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। ओ गॉड सेक मॉम, मेरी खातिर मूड ठीक कर ले प्लीज। मॉम आंटी प्लीज मेरी बात सुने, शादी ब्याह के मौके पे बच्चों से इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको ये बात बहुत बुरी लगी है ना तो हम सब मिनाइल के बिहाफ पे आपसे माफ़ी मांगते हैं, बट प्लीज़ इस वक्त इतने गेस्ट हैं उनके सामने कोई सीन क्रिएट मत कीजिए। वाह सीन भी हम क्रिएट कर रहे हैं, वाह वाह वाह। मॉम प्लीज़ प्लीज़ मेरी खातिर। अरे हटो भाई हटो आगे से।
ये राहिला आंटी ना बहुत मगरूर और खुद पसंद औरत है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने बेटा? अबू ऐसा कब होता है कि आप बीच तकरीब से उठ के रूठ के चले जाएं? किया क्या था मानी ने? डांस किया था, आजकल सारी लड़कियां करती हैं। जरा बेटा मनाइल को समझाओ, हर किसी का ताए जान इतना बड़ा दिल नहीं होता, वहां उसकी हरकतें कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बरी देखिए वजी, आपने बेकार सूट लेके आई है, मुझे तो रिश्तेदारों को दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। देखो ये बात उनकी अपनी जगह पर ठीक है, वो अपने लाडले बेटे की शादी कहीं मनपसंद लड़की के साथ करना चाह रही होंगी, और हमारी ठहरी यतीम और मस्कीन, लाख बेटी बनाकर रखूं लेकिन। भाई ना माने, हमारी मानी के लिए रिश्तों की कमी है क्या? हम उनके कदमों में बैठे। आप नहीं जानते बाबा, वो तो शादी के लिए राजी नहीं है दिल से, अयान ने जबरदस्ती मनाया है तो बड़ी मुश्किलों से राजी हुई है। अरे भाई ना हो राजी, हम कौन सा उनके कदमों में बैठे हुए हैं कि हमारी मानी से शादी कर लें? कमी है क्या रिश्तों की? अयान ने मनाइल से मोहब्बत की है, अब मनाइल को चाहिए कि वो अपने ससुराल में संभल कर रहे। जितनी आजादी हमने उसे दे रखी थी, हो सकता है रहीला बेगम ना दे। उसे अब सख्त जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मनाइल की रुखसती करीब है और आंटी की एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है। I don't know what's going to happen now. मनाइल ने अयान से मोहब्बत की है तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी, ना पसंदीदा बहू बनकर। अब उनकी मोहब्बत काया जान की मोहब्बत की तरह बिनमोल तो नहीं मिलने वाली। आप लोग कुछ भी कहें लेकिन मेरा दिल नहीं ठुकरा इस रिश्ते के लिए। Please, please pick up the call. Hello? Minahil? Minahil? Minahil, tum ro rahi ho. Kya farak padta hai? मिनाहल, मॉम की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। अयान, मैं कब तक अपनी बदनसीबी की जंग आपकी अम्मी से लड़ती रहूंगी? उन्होंने मेरी यतीमी को मेरे लिए ताना बना दिया है। वो समझती है कि मैं बेहया हूँ, मैं बदतमीज हूँ। प्रूफ करती रहूंगी कि मैं वैसी नहीं हूं जैसे वो मुझे समझती है। मनाहिल, तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपकी अम्मी मुझसे शदीद नफरत करती है। बरी के सूट हो, शादी की रस्में हो, हर चीज में उनकी नफरत छलकती है। नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, वो मुझे किसी लायक नहीं समझती। प्लीज मिनाहिल, रोना बंद करो। फॉर गॉड सेक, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। आपकी सोच राहिला आंटी के यकीन से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना। उनको यकीन है कि मैं बदबख्त हूँ, वो मुझे बद तहजीब समझती है। मिनाहिल, तुम्हें पता है तुम इस लायक हो कि तुमसे टूट कर मोहब्बत की जाए। जो कि मैं करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आई लव यू मिनाहिल, ऑलवेज एंड फॉर एवर। Oh,
उस लड़की की औकात इतनी नहीं है बेटा, जितना महंगा तोहफा तुम उसे मुंह दिखाई में दे रहे हो। मॉम आप क्यों ऐसी बातें कह रही हैं? आपने ऑलरेडी उसकी बरी भी अच्छी नहीं भेजी, उसका वेडिंग ड्रेस भी उसकी पसंद का नहीं है। हमारी गुड़िया तो आज गजब ढा रही है। झूठ ना बोले सारा, वाकई प्यारी लग रही हो। मुझे ड्रेस ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ड्रेस कैसा भी हो, शादी के दिन हर दुल्हन प्यारी लगती है। देखें मिर्ज़ा साहब, अगर इस तरह छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे फ़ोन करेंगे तो फिर आपका ऑफिस में होने का क्या फ़ायदा? ये बात हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा चलें ठीक है, आप फाइल भिजवा दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बता दूँ फिर। आप अभी देख लीजिए, मैं आपको फ़ोन करती हूँ थोड़ी देर तक। जी जी ठीक है। मॉम वो ज्वेलर ने आना था, आया क्या? जी बेटा ज्वेलर आया था, ये डायमंड रिंग और 6 लाख का बिल देके गया। वैसे अयान 6 लाख की अंगूठी ली है तुमने उसके लिए? इतनी आम सी लड़की और इतना महंगा तोहफा, क्या जरूरत थी? मॉम आप तो जानती हैं ना कि मनाहिल मेरे लिए कितनी खास है, और फिर खास लोगों को आम तोहफा नहीं दिया जाता। उस लड़की की औकात इतनी नहीं है बेटा, जितना महंगा तोहफा तुम उसे मुंह दिखाई में दे रहे हो। मॉम आप क्यों ऐसी बातें कह रही हैं? आपने ऑलरेडी उसकी बरी भी अच्छी नहीं भेजी, उसका वेडिंग ड्रेस भी उसकी पसंद का नहीं है। ओहो भाई, बड़े नखरे हैं नवाबजादी के। अच्छा मैं ज़ारा को फ़ोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि तमाम चीज़ें वापस भिजवा दें। प्लीज़ मॉम, आप क्यों इस कदर नाराज़ हो रही हैं? आपने कल भी मनाहिल को रुला दिया था। यार तुम्हें मनाहिल के आंसू नजर आते हैं, तुम्हें माँ नजर नहीं आती? उन लोगों के सामने तुमने मेरी हैसियत 2 कौड़ी की करके रख दी है बेटा। ऐसी बात नहीं है मॉम। ऐसी ही बात है, वरना यूं छुप छुप कर तुम जारा को नेग ना दे रहे होते। मॉम ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं उस वक्त किसी भी किस्म की जिद बहस नहीं करना चाहता था आपसे। हाँ बेटा, जिद बहस तो तुम नहीं करना चाहते थे, लेकिन वकालत खूब करते हो उनकी। आप क्यों इस कदर नाराज हो रही हैं मॉम? आप प्यार से भी तो रह सकती हैं। मैं, तुम जानते हो कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, इनफैक्ट मैं उसकी नहुसत को इस घर में लाना ही नहीं चाहती। ऐसा मत कहें मॉम, कल को वो इस घर में होगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई बात हो। तुम खुद ही चले जाना, मैं शादी में भी नहीं जाऊंगी। मॉम 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 प्लीज प्लीज, आप नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? मनाहिल के बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ मॉम, माफ कर दें प्लीज। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, उसे ये बात जरूर समझा देना, इस घर में रहना है तो ढंग से रहे, जो उछल कूद वो अपने घर में करती रही है वो सब यहाँ नहीं चलेगा। जी मॉम। घड़ी कहाँ गई मेरी? इम्तियाज, इम्तियाज। जी छोटे साहब। तुम्हें मैंने कहा था कि मेरी चीजें सब सामने रख देना, घड़ी कहाँ है यार मेरी? अभी तो यहीं पे पड़ी थी, चले मैं देखता हूँ। जल्दी करो यार, मुझे देर हो रही है। ये रही आपकी घड़ी साहब। शाबाश। अच्छा सुनो, कैसा लग रहा हूँ मैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी नहीं तैयार हो गए? अरे बेवकूफ,
बारात से पहले फोटो शूट होता है और मैं वहीं से सीधा बारात वेन्यू जाऊंगा। पर हाँ सुनो, मेरे आने से पहले मेरे कमरे को अच्छी तरह फूलों से सजा लेना, ओके? जी छोटे साहब, मैं हूँ ना, ऐसा सजाऊंगा कि आपको पसंद आएगा। शाबाश, चलो ठीक है, तुम जाओ, जाओ तुम। जी वजदान भाई, जी जी मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके। भाई शाइस्ता, मैंने तो कह दिया जल्दी जल्दी खाना खिला के मेहमानों को तो फारिग करें, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो अकेले? मॉम मैं फोटोशूट के लिए जा रहा हूँ, आप लोग वेन्यू पर पहुँच जाइएगा, मैं मिनाल के साथ डायरेक्ट वहाँ पहुँचूँगा। माशाल्लाह, हमेशा अपनी मनमानी करना, कभी सुना भी है कि दूल्हा के बगैर बारात गई हो? बेटा उसको तो हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है और तुम्हें भी हुक्म का गुलाम बना रखा। कम ऑन मॉम, आप क्यों इतना नेगेटिव सोचती रहती हैं? क्यों ना सोचूं नेगेटिव, अकलौता बच्चा मेरे हाथों से निकला जा रहा है। Mom, well, I'm getting late. इस बारे में बाद में बात होगी। देखा तुमने? और आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं खाइफ क्यों हूँ, शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों नहीं ले रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर कोई तबाही आ रही है। मुझे तो ना उस लड़की की तरबियत पर एतबार है और ना ही उसकी किस्मत पर। ऐसा लगता है इस घर को आके उसने तहस नहस कर देना। अल्लाह ना करे राहिला, कैसी बातें कर रही हो? अपना दिल बड़ा करो, चलो चलो बारात लेकर चलते हैं, ये चीज़ें तो आजकल कॉमन है। हाँ हाँ राहिला, मेरे बेटा भी तो देखो दुल्हन को लेकर इंटर हुआ था। ऐसा ही है ना, अब ज़माना बहुत बदल चुका है राहिला, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। अब तो देखो शादियों में भी थीम आने लग गई है और दूल्हा दुल्हन की एंट्रीज भी मुख्तलिफ अंदाज से होती है। रिलैक्स करो राहिला। शाइस्ता ठीक कह रही है, चलो बारात की तैयारी करो जल्दी से। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है आजकल। मिनाहिल कहाँ रह गई है ये? ये बिटिया तैयार हो रही है। मिनाहिल क्या हो गया? वजदान नीचे फोटोशूट के लिए वेट कर रहे हैं, लेट हो रहे हैं हम लोग। अच्छा तो भला बताओ मैं क्या करूँ? कुछ ना करें, मैं खुद बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, हमें और बहुत से काम। मिनाहिल अच्छा जरा भी, मैं भी आती हूँ। भाभी हमारी बुढ़िया तो आज खजब ढा रही है। झूठ ना बोले सारा, वाकई प्यारी लग रही है। मुझे ड्रेस ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ड्रेस कैसा भी हो, शादी के दिन हर दुल्हन प्यारी लगती है। माशाल्लाह भाई, वाह वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बेटी। भाई जीती रहो जीती रहो, खुश रहो। ताया जान, आज मेरी शादी है, अब मुझे दुआ नहीं देंगे? जहाँ इतना कुछ दिया है वहाँ दुआ नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे दामन में सिर्फ नफरत भरी है और मैं भी नफरत के बदले में नफरत का सौदा नहीं करता। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ की तरफ आपका बहुत हिसाब निकलता है और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ज्यादतियों का हिसाब मुझे देना होगा। ज्यादतियां? जुल्म कहो जुल्म, न जाने जिंदगी की कितनी रातें भूखा सोया हूं। लाइब्रेरी से वापस आता था तो अक्सर घर का गेट बंद पाता था, कभी ने ये नहीं किसी ने पूछा कि सिकंदर कैसे हो, कभी मेरा खाने पर इंतजार किसी ने नहीं किया था। और छाना, आज उसकी शादी है, आज के दिन तो दुआ देकर रुखसत करें। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो, और याद रखो अपना घर बसाने की कोशिश करना, अपनी सास की कड़वी की सीधी बातें सुनकर वापस ताए जान के दर पे ना आ जाना।
चलो भाई देर हो रही है, जल्दी करें जरा। बेटा जल्दी करो। बहुत याद आएंगे आप मुझे। तम भाई आ जाओ, देर हो रही है। बस 5 मिनट में आती हूँ। बजान भाई प्लीज इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया आपको यार? आप हमारे पास कुछ नहीं है। फोन निकाल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्लीज दे रहे हैं आपको, आपको जो चाहिए आपको दे रहे हैं। प्लीज दे दो अपनी जूलरी बनाए बजान भाई। देखिए देखो अब आपको सब सब दे रहे हैं जो हमारे पास है, आपको सब दे रहे हैं। सब कुछ जल्दी ले, जल्दी सब पे बजान भाई। ठीक है ठीक है। एजमी असल माल तो गाड़ी में। ये आप क्या कर रहे हो यार? आपको सारा सामान दे दिया ना? क्या क्या आपको चाहिए यार? आपको जो चाहिए थे वो दे दिए यार। यार मर्दाना मर्दाना यार। ये बच्चे कहाँ रह गए? कब से फोन कर रहा हूं लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। सिकंदर भाई इतनी देर हो गई है, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं है? सबको फोन कर रहा हूं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ना जाने कहाँ रह गए। आप लॉन्च में तशरीफ रखिए, मैं अभी पता करता हूँ। सिकंदर भाई इतने फारिग नहीं है हम कि बिला वजह बैठे रहे। आप फोन करें अपने बच्चों को कि जल्दी घर आए। मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन वजदान और यहाँ का नंबर बंद जा रहा है, जबकि ज़ारा फोन उठा नहीं रही। अजीब तमाशा लगा रखा है। वो लड़की तो थी ही लापरवाह लेकिन आज तो अयान ने भी हद कर दी है, फोन ही ऑफ कर दिया अपना। सिकंदर भाई मैं बता रही हूँ, अगर अगले 10 मिनट तक वो लोग नहीं आए तो मैं बारात लेके वापस चली जाऊंगी। माफ कीजिएगा रहीला बेगम, ये गुस्सा आप अपने बेटे को दिखाइए जो आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहा है। आप गुस्से का कोई फायदा नहीं। अपने बेटे की मोहब्बत में ही मजबूर होके मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना ये शादी कल की खत्म होती आज खत्म हो जाए। आप लॉन में तशरीफ रखें, मैं DSP को फोन करता हूँ। उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता यार। उनको यकीन है कि मैं बदबख्त हूँ।